वेलकम दोस्तों, स्वागत है और फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Redmi Note 10S मोबाइल में दोस्तों आप बैक बटन को कैसे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल में यहाँ पे बैक बटन लेफ्ट राइट साइड में है। दोस्तों इसको मैं लेफ्ट साइड में करके दिखाऊंगा दोस्तों कैसे इसको चेंज करते हैं। दोस्तों आप अपने मोबाइल में कैसे चेंज कर पाएंगे, दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। और जैसे ही मोबाइल की सेटिंग को ओपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है। दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन का ऑप्शन। तो आपको होम स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये वाला सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको सिस्टम नेविगेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको बटन्स का आइकन देखने को मिलेगा और एक तरफ ये देखने को मिल जाता है गेस्चर का ऑप्शन। अगर दोस्तों आप गेस्चर बटन यूज करना चाहते हैं दोस्तों आप गेस्चर पे क्लिक करेंगे, नहीं तो बटन यूज करना चाहते हैं दोस्तों आपको बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको उसके नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मिरर बटन्स का ऑप्शन। और दोस्तों उसके सामने जो टिक है उस टिक को आपको डिसेबल करना है। और जैसे डिसेबल करेंगे दोस्तों यहाँ पे बैक बटन आपका लेफ्ट साइड में आ जाता है, और इसको इनेबल करना है तो दोस्तों आपके बैक बटन राइट साइड में आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से Redmi Note 10S मोबाइल में बैक बटन को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो से सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं रोज लाता रहता हूँ। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।